हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम्बिशन वैदिक कोचिंग इंस्टीट्यूट। बी सेफ एंड स्टे एट होम। इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। दोज आई वांट टू रिपीट देम बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। यू नो, इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देर आर सिक्स काइंड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, so this is your first quadrant, second quadrant and third quadrant, fourth quadrant. Okay, you know, in first quadrant all trigonometric functions are positive, all trigonometric functions are positive. Okay, whereas in second quadrant sine and its reciprocal cosec are positive and remaining they are negative, whereas in third quadrant tan and cot are positive whereas other trigonometric functions are negative, and in last quadrant, that is in fourth quadrant, cos and sec are positive whereas rest of the trigonometric functions they are negative. यहाँ पे एक मतलब एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट से भी अपन ये याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है। तो वो स्टेटमेंट है आपका ऐड सुगर टू कॉफी, ऐड सुगर टू कॉफी। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से भी अपन ये याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो ऐड का पहला लेटर ए, ए स्टैंड्स फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरास सुगर का पहला लेटर एस, एस स्टैंड्स फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक, दे आर पॉजिटिव। टू का पहला लेटर टी, टी स्टैंड्स फॉर टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट, दे आर पॉजिटिव। कॉफी का पहला लेटर सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक आर पॉजिटिव। तो इन दिस वे अपन इस स्टेटमेंट का यूज करके, इस स्टेटमेंट को याद रख के अपन ये याद रख सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ पे पॉजिटिव होता है। ओके, देन सी, अभी आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड डिग्रीज के वैल्यूज पढ़े होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री वगैरह। लेकिन आपने कभी, आपको ये नहीं पता कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है ये 1/2 क्यों है, या साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 क्यों है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 क्यों है। तो इस क्यों का जो रीज़न है वो अपन अभी इस वीडियो में या इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो उसके लिए अपने को एक स्टैंडर्ड, सबसे पहले अपन देखेंगे कि एंगल मेजर ऑफ 0 डिग्री, एंगल मेजर ऑफ 0 डिग्री। ओके, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे सबसे पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है इसके पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट ओरिजिन होता है और आपका जो रेडियस है वो होता है 1 यूनिट, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो ये जो आपका एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में सेंटर पॉइंट ओरिजिन और रेडियस 1 के लिए मैं यहाँ से यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल निकालता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि अपने को यहाँ पे एक 0 डिग्री का एंगल बनाना है, एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का अगर एंगल बनाना है तो उसके लिए देखो, जब भी आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो तो सबसे पहले अपन प्लेन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं जिसको अपन वर्टेक्स कहते हैं। तो वह वर्टेक्स अपन यहाँ पे ओरिजिन को लेंगे, बाद में इस वर्टेक्स से एक्स एक्सिस के ऊपर मैं एक रे निकालता हूँ जिसको अपन कहते हैं इनिशियल रे, एंड इस वर्टेक्स ओ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एक रे निकालो कॉल्ड एज इनिशियल रे, और इसी इनिशियल रे के ऊपर आप एक अनादर रे निकालो जिसको अपन कहते हैं टर्मिनल रे। ठीक है,
बाद में ये जो आपका टर्मिनल रे है, ये टर्मिनल रे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को जिस पॉइंट में कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे नाम दो पी। अब इस पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए? तो देखो ये जो सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट ओ है, तो सेंटर पॉइंट से लेके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस यानी रेडियस कहलाता है, विच इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वन होगा, और पॉइंट पी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जीरो डिग्री का एंगल, जीरो डिग्री, 180 डिग्री, इनका एंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये इसके पहले अपन पहले वीडियो में आई थिंक दूसरे वीडियो में देखे हैं। तो जीरो डिग्री, जीरो डिग्री एंगल के लिए या जीरो डिग्री मेजर के लिए आपका जो इनिशियल रे और टर्मिनल रे होगा, वो इनिशियल रे और टर्मिनल रे क्या होगा, कोइंसाइड्स होगा। ठीक है, जीरो डिग्री मेजर के लिए इनिशियल रे इज कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल रे, या टर्मिनल रे इज कोइंसाइड्स विद द इनिशियल रे। ओके, यानी इनिशियल रे के ऊपर एक टर्मिनल रे आ जाता है तो वहाँ पे एक जीरो डिग्री का एंगल बनता है। इट मीन्स इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो ये टर्मिनल रे इंटरसेक्ट दिस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इन पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1, 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसके पहले अपन ने एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए रेशियो देखे थे, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। अभी यहाँ पे किस मेजर के लिए अपन ने एंगल कंस्ट्रक्ट किए, जीरो डिग्री के लिए, तो आपका थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है, तो यहाँ पे आप थीटा की जगह एक जीरो डिग्री लिख सकते हो, राइट। और एक्स इक्वल टू आपको वन मिला तो यहाँ पे एक्स की जगह आप वन लिखो। देन हियर थीटा कितना है आपका, जीरो डिग्री, और वाई इक्वल टू आपको जीरो मिला। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, ये भी अपन ने इंटर रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये इसके पहले अपन ने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। ओके, थीटा इक्वल टू कितना है, जीरो डिग्री, तो आप दोनों तरफ थीटा की जगह जीरो डिग्री लिख दो। अब कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू कितना होता है, वन, सो वन अपॉन वन गेट वन। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, ओके, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, जीरो डिग्री, सो दोनों तरफ आप थीटा की जगह जीरो डिग्री लिख दो। अब साइन जीरो डिग्री कितना होता है, जीरो, सो हियर इन प्लेस ऑफ साइन जीरो डिग्री राइट जीरो, एंड यू नो वेरी वेल एनीथिंग अपॉन जीरो यानी क्या होता है, इन्फिनिटी। ओके, देन टैन के लिए निकालना है, तो टैन के लिए अपन इस तरह से निकाल सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स होता है, राइट। ये अपन ने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए रेशो देखे थे, तो टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वाई कितना है जीरो, एक्स कितना है वन, सो जीरो अपॉन एनीथिंग गेट जीरो। यहाँ पे आपका जो थीटा है वो कितना है, जीरो डिग्री है। देन टैन का रेसिप्रोकल कॉट, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टैन थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे अपन आर मेजर इज थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, सो एट बोथ साइड्स इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव टू राइट द जीरो डिग्री, एंड टैन जीरो डिग्री इज वॉट जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो अगेन गेट इन्फिनिटी। तो इस तरह से अपन एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट करके जीरो डिग्री के लिए क्या निकाल सकते अपन, वैल्यूज निकाल सकते, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद देखते अपन पाई बाय टू के लिए, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब देखते अपन पाई बाय टू के लिए, अब क्या करना है कि पाई बाय टू, थीटा इज इक्वल टू होगा आपका भी पाई बाय टू, यहां पे थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यूर पाई बाय टू। अब गो थ्रू द सेम प्रोसेस, क्या करना है कि सबसे पहले पाई बाय टू इन द सेंस आपका 90 डिग्री होता है, तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है ये सबसे पहले यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में आपको क्या करना है, बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। एंड व्हेनेवर यू नो वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द एंगल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ वर्टेक्स
ऑन द प्लेन सरफेस हियर द वर्ड